नवरात्र तो सभी घर में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और नवरात्रों के दिनों में हम नौ देवियों की घर घर में पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं नौ दिनों में माता धरती पर आती हैं, इसलिए ही उनकी स्वागत में ये नौ दिनों का त्योहार मनाया जाता है। पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हमें धन धान्य ऐश्वर्य और सौभाग्य का वर देती हैं। दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो हमें संयम वैराग्य और विजय की प्राप्ति का वरदान देती हैं। तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो हमारे कष्टों से मुक्ति देती हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जो हमारे रोग दोष और शोक को दूर करती हैं और हमें यश बल और लंबी आयु का वरदान देती हैं। पांचवें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो हमें सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो हमारे भय रोग शोक और संतापों को दूर करती हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। सातवें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं और हमारी सब बाधाओं को दूर करती हैं और हमें सुख शांति प्रदान करती हैं। आठवें दिन हम माता महागौरी की पूजा करते हैं, जो हमें अलौकिक सिद्धियां प्रदान करती हैं और हमारे असंभव कार्य को भी संभव बना देती हैं। नवें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और हमें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दिनों में विधि विधान से पूजा करने से माता हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं।